नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम के बारे में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में विदाई से पहले मानसून सक्रिय हो चुका है। इसका असर भोपाल में देर रात को तेज बारिश के रूप में देखने को मिला, जहां दिन भर धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया। वहीं रात होते होते काले बादल छाने के साथ ही करीब आधे घंटे तक झमाझम बारिश हुई। भोपाल में सामान्य से करीब 14% ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि बीते 24 घंटे में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर देखने को मिला। वहीं पश्चिम मध्य प्रदेश में तेज बारिश दर्ज की गई। भोपाल में दिन भर धूप के बाद बादल छाए रहे, जिसके बाद देर रात से तेज बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी। लगातार हो रही बारिश से शहर के सभी तालाब व डैम लबालब भर चुके हैं। बता दें कि राजधानी भोपाल में मौसम ने पिछले 4 दिन से करवट बदली है, जहां तेज उमस के बाद हल्की बारिश से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। भोपाल में 2.5 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज भी इसी प्रकार तापमान में कमी की संभावना जताई है। इसके बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कल के बाद मानसून की विदाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक सोमवार के बाद से मानसून सीजन समाप्त हो जाएगा। हालांकि वर्तमान में एक चक्रवात के मौजूद रहने के साथ ही हवा का रुख दक्षिण पश्चिमी बना हुआ है, जिससे कहीं कहीं छिटपुट बौछारें पड़ की संभावना है। बता दें कि मॉनसून सीजन में इस बार भोपाल में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। भोपाल में सामान्य बारिश 37 इंच के करीब रहती है, जबकि इस बार 50 इंच से ज्यादा पानी गिर चुका है, यानी अब तक करीब 33% ज्यादा बारिश हो चुकी है।